विधिनिदेशयान् प्राश्य भोगांश्च विष्णान् पश्याच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषाश्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनिस्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ नस्तुरीयः। अथर्ववेदीय मांडू को उपनिषद का विचार करते हुए अभी हम लोग प्रथम प्रकरण आगम प्रकरण उसका तृतीय मंत्र पर विचार कर रहे हैं। तृतीय मंत्र पर विचार कर पहले दो मंत्र के द्वारा एक में सृष्टि नामात्मक दिखाया, दूसरे में सृष्टि को रूपात्मक दिखाया, परंतु नाम और रूप भिन्न नहीं है। जो किसी का रूप होगा उसका कुछ ना कुछ नाम बता उसका परिचय होता है। अब इन दोनों को नामी और नाम और नामी अभिधान अभिदेय वाच्य वाचक अभिनतक अभिन्नता को लिखा करके ये दोनों जिसके ऊपर प्रतीति हो रहा है वो हो गया आपका अमरा अधिष्ठान, जिसका है जो ओंकार। ओंकार जिसको प्रतीक है उसको परब्रह्म और अपर ब्रह्म दोनों में बोला जा सकता है। परब्रह्म रूप में और नाम रूपात्मक कार्य अपर ब्रह्म के रूप में नाम रूपात्मक कार्य रूप में दिखाई पड़ता है। परब्रह्म के रूप में वही अधिष्ठान इसका वर्णन करते हुए मतलब पहले वहां पे क्या बोलता आया था स्वयं आत्मा चतुष्पाद, अयम आत्मा ब्रह्म स्वयं आत्मा चतुष्पाद। ये आत्मा कौन है, ये ब्रह्म कौन है, अयम आत्मा, ये आत्मा ही व्यापक है। अब उसको समझेंगे कैसे, इसलिए श्रुति ये अध्यारोप प्रक्रिया को आत्मा है ये चार पैर वाले है। तो ये बोला यहाँ पे कि गाय का जैसा चार पैर होते हैं ऐसा नहीं है काश का प्रतीक, इस प्रकार एक रुपया में जैसा चार आने का चौवाने का चार भाग होता है ऐसा आपको समझना पड़ेगा। तो ऐसे समझने से क्या होगा कि तीन पैर के द्वारा चल करके चौथा पाद तक पहुंचा जाता है। तीन में पाद शब्द का अर्थ करके करण करणात्मक प्रत्यय दिखाया और एक में कर्मात्मक जिसको प्राप्त किया जाता है। अब जिन कारणों के माध्यम से चल करके हम अपनी अभीष्ट वस्तु को प्राप्त करेंगे उस पहले उन पैरों को समझा गए है ना। इसको समझाते हुए तीसरा मंत्र आया हुआ, तीसरा मंत्र में ये बोला था जागृत स्थान बहिष्प्रज्ञ सप्तांग एकानो विंशति मुख स्थूल भूक वैश्वानर प्रथम पाद। वहां भी कहा गया कि जिस समय वो तो जागृत स्थान में रहे थे मतलब कहते शरीर इंद्र मन बुद्धि में अभिमान करता है, जिस समय इस अभिमान करके व्यवहार करते वो उसका जागृत स्थान। उस समय स्थूल वस्तु का बाहरी वस्तु को देखता है संबंधित ज्ञान होता है उसको। तो बाहरी वस्तु क्या है अपनी अहंकार तक आत्मा के सापेक्ष में अहंकार तक बाहरी वस्तु आ रही है। जैसे टेबल काट ईट काट पत्थर हिमालय का बाहरी वस्तु है उसी प्रकार ये शरीर भी आत्मा के सापेक्ष में बाहरी वस्तु है। इसी प्रकार शरीर इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार मतलब अभिप्रेत मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब आपको देखते हैं इसलिए सब आत्मा के सापेक्ष में ये बाहरी वस्तु। कमरे के सापेक्ष में मतलब ये दीवार के अंदर ये दीवार के बाहर इस प्रकार शरीर की इसके सहाय में शरीर के बाहर शरीर के अंदर परंतु आत्मा के सापेक्ष में सभी बाहर सभी बाहर बहिष्कृत। फिर उनका एक विषय नाम दिया था सप्तांग, सप्तांग मतलब उनका सात अंग है। सात अंग क्या दिखाया था, पहला दिखाया था मूर्धा, उसका विशेषण दिया था सुतेजा। अब देखो जिस समय कोई चीज की आपके मन में भावना उठती है तो पहले आपके दिमाग में प्लानिंग होता है, दिमाग में उसका प्लानिंग होता है और दिमाग की जो है वेन्स जो है प्रज्वलित होता है इसको कैसे करेंगे क्या वस्तु का। उस समय कुछ नाम रूप आपके मन में अभी तक आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है सोचा तो इसलिए नाम रूप में अभिव्यक्त होने से पहले जो चीज हमारे बुद्धि में पहले बैठते हैं उसी के आपके सुतेजा शब्द के द्वारा सृष्टि से पहले विराट रूप जो है सारा सृष्टि विराट रूप में सृष्टि करने से पहले दूर को सुतेजा भीषण क्योंकि क्योंकि यहाँ पे ये हर चीज यहाँ पे प्रकाशित होती है। मूर्धा को द्विलोक कहा गया, मूर्धा को द्विलोक कहा गया,
सृष्टि के लिए जो मुद्दा, हमारे सृष्टि के लिए, हमारे व्यक्तिगत सृष्टि के लिए हम कहाँ से काम शुरू करते हैं? पहले दिमाग में, दिमाग में जो है हमारा बुद्धि में प्रज्वलित होकर के हमें बाहरी वस्तु कैसे करना है, फिर हम व्यवहार करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, ये पहला। उसके बाद क्या होता है कि हम उसका एक रूप कल्पना करते हैं, है ना, किस कोई देखा हुआ वस्तु को हम कुछ अमेंडमेंट करते हैं। तो आँख चाहिए, इसलिए सुतेजा, फिर उसके बाद आया था चक्षु, ठीक है ना। आप किसी चीज़ को आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके अंदर इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, ये तीन मिल करके काम, उसको कैसे बनाएंगे, उस बनाने की इच्छा और बना कैसे बनाएंगे और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। ये तीन चीज़ों से दिमाग में आया, आप उसको रिजॉल्व भी कर सकते हैं, परंतु उसको जब बनाने की जब तैयार करना है तो क्या होता है, पहले दिमाग में आया, फिर उसका कुछ रूप की आप कल्पना करते हैं, फिर उसको तैयार करने के लिए आपको इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, इसके अंदर प्राण शक्ति बताया, समझ में आ रहा है। आप इस चीज को मतलब सृष्टि की प्रक्रिया को लाने के लिए देखिए, वेदांत में इतना मानते हैं नहीं, मतलब सिस्टम भी मानते हैं, इसी यहाँ पे प्राण बोल पृथक बढ़ना, क्योंकि अलग अलग प्रकार के तीन प्रकार के काम करते हैं, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति मिला करके ये अलग अलग दिशा में जाने वाले होते हैं, इसे मतलब पृथक बढ़ना। अब उसके बाद क्रिया करने के लिए कि जो सृष्टि की जो है, जहाँ पे संदेह मतलब देह उपचय धातु है, उससे देह बनना है, और शरीर के मध्य भाग अब वो विराट पुरुष के इस शरीर के अंतर्गत स्पेस है ना, वो उनका शरीर के मध्य भाग हो गया, फिर जो हो गया वस्ती रेव रे जल भाग हो गया उसका, विराट पुरुष के वस्ती देश मतलब जहाँ पे हमारा जल स्रोत है, पृथ्वी जो जल होता है सृष्टि कर रहे हैं अभी, और उसके बाद जो है पृथ्वी उसका पैर है जिसके ऊपर प्रतिष्ठित होकर के काम करते हैं। अब जो है ये जो वशन और उपासना के प्रसंग आया हुआ है छांदोग्य उपनिषद में, वहाँ पे देखना वशन उपासना के प्रसंगों में पांच आहुति देते हैं हम लोग, पांच आहुति देते हैं प्राणायाम अपने अग्निहोत्र के आहुति के अंग के रूप में, अग्निहोत्री जाग के अंग के रूप में वशन उपासना करना पड़ता है। जो अग्निहोत्री होते हैं नित्य अग्निहोत्र करते हैं उसको वशन उपासना उनके लिए बहुत अच्छा है। तो वैष्णव उपासना करते समय उसको अग्निहोत्र में आहुति देना पड़ता है, तो क्योंकि वो चतुर्दश भुवन में वो विराट पुरुष के साथ अपनी तादात्म्यता कर रहे हैं, विराट पुरुष के साथ तादात्म्यता करने के कारण चतुर्दश भुवन में जितना है वो हमारा स्वरूप है, तो सबको भोजन देना हमारा काम है। इस प्रकार हम यहाँ से भोजन करते हैं तो हमारा पैर भी पुष्ट होता है, हाथ भी पुष्ट होते हैं, आँख भी पुष्ट होते हैं, होता है ना। अब इसी शरीर में आप विराट पुरुष कल्पना करके चतुर्दश भुवन में समस्त जीव को भोजन दे रहे हैं, इसलिए प्राणायाम स्वाहा, प्राणायाम से चक्षु तृप्त होते हैं, चक्षु तृप्त से आदित्य तृप्त होते हैं, आदित्य तृप्त से द्विलोक तृप्त होते हैं, द्विलोक तृप्त द्विलोक और आदित्य लोक के बीच में जितना जीव है वो तृप्त होता है, वो तृप्त होने पर तब ये वशन रूप से तृप्त होता है। तो जो आहुति दिया जाता है वो आह्वानीय अग्नि में आहुति दिया जाता है। कल मैं बताया था आपको यहाँ पे टिप्पणी है जहाँ से अगर हम पाठ शुरू करेंगे कि इति अग्निहोत्र कल्पना, पेज 17 में एक नंबर टिप्पणी दिखाई दे रहा है अग्निहोत्र कल्पना, हिंदी दयानंद आश्रम है जी जी, वहाँ पे अभी छुट्टी है 5 तारीख छुट्टी, तो कहाँ ठहरे आप कैलाश में? ओह अच्छा अच्छा ठीक है, क्या नाम है आपका? जी मेरा मार्गन नाम है, मार्गन। अच्छा 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 हाँ, बता रहा था कि इस समय जो है आज तुम्हें थोड़ा क्लास बंद है 5 तारीख तक ना जी। अच्छा ठीक है, तो इंटरव्यू पहले थोड़ा जुड़ा है, जुड़ा क्या इस पर्सन ये पैदल से आए हैं? हाँ हाँ, जुड़ा नहीं है तो चल, पहले एक तो विवाह में इनको देना पड़ेगा, जिसका पुस्तक को बाद में देना। अच्छा।
ठीक है। तो अग्निहोत्र कल्पना शिष्यत्व में, ठीक है ना, आप देखिए अग्निहोत्र कल्पना को लेकर के एक नंबर टिप्पणी क्या बोल रहे हैं, अग्निहोत्र भी निरंतर रक्षणीय अग्नि गाढ़ कमा करते हैं। ये जो अग्निहोत्र रोज एक तो अग्निहोत्र करने वाले जाग करते हैं उसको अग्निहोत्री है ना, उस जो अग्निहोत्र मतलब जाग करते हैं उनके घर में हमेशा आम को रखना करना पड़ता है। कल मैं बता रहा था कि तीन प्रकार की अग्नि है, गाढ़ अग्नि, अनुभार्य पचन अग्नि और आह्वनीय अग्नि। कहीं पे ये अनुभार्य पचन के दूसरा नाम दक्षिण अग्नि भी बोलते हैं, लास्ट में प्रयोग होता है जगभन के लिए। तो घर में जिस अग्नि को बना के रखा जाता है उस अग्नि को बोलते हैं गाढ़ोपत्र, ठीक है ना, घर में हमेशा जलता है। अच्छा, जैसे माचिस की सिस्टम भी नहीं था ना, लाइटर कुछ घर में आग बना के रखना, इसी तरह बताए अग्निहोत्री भी निरंतर अग्निहोत्र करने वाले लोगों के द्वारा निरंतर मतलब हमेशा कंटिन्यूसली है ना, विदाउट एनी इंटरप्शन निरंतर रक्षणीय रक्षा करने योग्य क्या जो अग्नि उसका नाम है गाढ़ोपत्य, ठीक है ना, गाढ़ोपत्य गृहस्थ संबंध रखने वाला गाढ़ोपत्य, ठीक है, कौन कर सकते मान लो। अनुभार्य पचन दक्षिण अग्नि, उसका अर्थ आप लिखते एक इसी से अनुभार्य पचन अनु आहार को पकाया जाता है जिस आग में, उसका दूसरा नाम दक्षिण लिखा है वहां पर अनुभार्य पचन दक्षिण अग्नि, ठीक है ना। अनुभार्य पचन क्यों बोल रहे हैं कि अनुभार्य ओदन विशेषम पच्यते अस्मिन् इति बुध्यते, कोई एक विशेष मतलब घर में खाना खुना पकाने के लिए जिस आग में पकाया जाता था वो इसी मतलब उस गाढ़ोपत्र तो अग्नि से आग लेकर के चूल्हा जहाँ पे आपका रसोई है वहाँ पे आग जाते, फिर वहाँ पे खाना बना देते, इस उसको अनुभार्य पचन। इसी को दूसरा नाम दक्षिणाग्नि भी है, क्योंकि जनरली हमारी रसोई जो है कि अग्नि कौन कौन सा है, अग्नि दिशा जो अवंतर दिशा में अग्नि कौन कौन सा है, नैरी वायव्य अग्नि और शंकु, शंकु ठीक है ना, शंकु उत्तर पूर्व दिशा को बोलते हैं, वो अग्नि कोण में रसोई होना चाहिए। आजकल तो वास्तु के नियम जनरली नहीं दिखाई पड़ता, सामान्य रूप में पहले जमाने में आपका अग्नि कोण दिशा जहाँ पे है वहाँ पे रसोई होना चाहिए। तो यहाँ पे दक्षिण अग्नि बोल रहे हैं, और जनरली यजमान की शरीर पूरा होने पर क्या होता है उनको दक्षिण दिशा में जो गंगा जी जहाँ पे होगा वहाँ पे ले जाके उसी गाढ़ोपत्र अग्नि से अग्नि लेकर के जंगल में लेकर के उनको जला देते हैं, इसलिए इसको दक्षिण अग्नि भी बोलते हैं। अनुभार्य पचन दक्षिण अग्नि, अनुभार्य अनुभार्य ओदन विशेष, अनुभार्य मतलब एक ओदन विशेष मतलब चौल विशेष है ना, पच्यते अस्मिन् उसको पकाया जाता है इस आग में, इसलिए इसका नाम इस बुद्धि एटमोलॉजिकली इसको ऐसा कहा जाता है, इसलिए इसका नाम है अग्नियो अनुभार्य पचन। सच दक्षिण कुंड तिष्ठति, वो जनरली दक्षिण दिशा में होते हैं, मतलब दक्षिण नहीं दक्षिण पश्चिम को जो अग्नि कोण होता है जनरली वहाँ पे होते हैं, इसलिए ठीक है। कई चीज आपको परिषद में पता लगेगा है ना, जनरली होम काले एक हो गया आपका अनुभार्य पचन, होम काले होमार्थम गाढ़ोपत्यात् उद्धृत हवन कुंडे प्रज्वल्यते ज स आह्वनीय इति विवेक, आह्वनीय अग्नि किसे बोल रहे हैं, जिस सुबह शाम आहुति देते समय होम काले होमार्थम जाप करने के लिए गाढ़ोपत्य गाढ़ोपत्य अग्नि से उद्धृत उठा करके हवन कुंडे वो जहाँ पे हवन करेंगे वहां पे जाकर के अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है, ठीक है, अग्नि आधान बोलते हैं इसको, अग्नि आधान बोलते हैं, इसलिए हवन कुंड प्रज्वलित जिस अग्नि को ऐसा किया जाता है स आह्वनीय इति विवेक, इसका आह्वनीय अग्नि बोलते हैं, ऐसा विवेक मतलब विचार पूर्वक इस अग्नि की भिन्नता ऐसा ऐसा को समझना, ठीक है। तो यहाँ पे अब तो क्या हो गया, एक हो गया आपका गाढ़ोपत्य अग्नि, एक हो गया अनुभार्य पचन अग्नि, एक हो गया आपका आह्वनीय अग्नि। अब इस विराट पुरुष के जो है मुंह के रूप में इस आह्वनीय अग्नि, यानी कि समझ लीजिए आप विराट पुरुष मतलब सभी इंडिविजुअल शरीर को मिलकर के जो बनता है वो विराट पुरुष, और जब हम आहुति देते हैं वो विराट पुरुष के हमारे आह्वनीय अग्नि है, आह्वनीय अग्नि में आहुति दिया जाता है, इसीलिए भोजन के समय हम यहाँ पे प्राणायाम पंचाहुति देते हैं, इससे क्या होता है समस्त चतुर्दश भुवन के जीव तृप्त होते हैं,
वैष्णव उपासना करने का यही लाभ है कि आप अपनी व्यापकता को मतलब सारा वैदांत वेदांतिक उपासना जितना भी है सब अपनी परिच्छिन्नता को छोड़ करके व्यापकता के चिंतन के लिए बोलते हैं। अब आपने विराट पुरुष के साथ जब आपने एकत्व का चिंतन कर रहे हैं तो विराट पुरुष शरीर में सुन चतुर्थ भुवन में जितना जीव है सब मेरा ही शरीर है। तो जिस प्रकार इस शरीर को भोजन के तरह हम रक्षा करते हैं उन सभी शरीर को भोजन के तरह रक्षा करने के लिए हमें क्या होता है विराट पुरुष का अवधि होता है। और इसी के प्रमाण के रूप में आप लोग जानते हैं जो महाभारत में कथा आती है भगवान श्री कृष्ण एक घास के दाना खाते हैं, घास के तो शाक के दाना खाते हैं, दुर्वासा ऋषि के सारे ऋषियों का पेड़ भर भगवान विश्वनाथ रूप विराट रूप तो अहम तृप्त सर्वम तृप्त तो बस इस प्रकार सतृप्त हो जाते हैं। तो ये जो यहाँ पे बोलते हैं होम काले होमार्थम दाह उद्धृत अवन पुण्य प्रज्वल सवनी विवेक। फिर उसी में आगे जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है ये जनरली अग्निहोत्र का जो आवी होता है वो हमारे जैसे रेक्टेंगुलर नहीं होता इसी प्रकार वो वेदी होती है वेद पूरा एवं वेदी से हम बोलते हैं पूर्व मतलब होता है छाती है ना वो हो गया अग्निहोत्र की वेदी। लोमानी बरही छाती के ऊपर जो लोहे दिखाई पड़ते हैं वो होता है कोश। अच्छा हृदय हम गाढ़ पत्र ये जो हमारे हृदय है वो गाढ़ पत्र का जो हमेशा रहता है जहाँ पे अग्नि बनी रहती है क्योंकि वहीं से वृत्ति उठते हैं यहाँ पे हृदय गाढ़ पत्र। मनो अनवहार जो वचन मन जो क्या होता है अनवहार जिसमें पकाया जाता है मतलब भोग को वस्तु उसमें पकाते हैं मन में जो आहुति दिया आपने ये कितना आहार आहार ये सबसे आहुति दे रहे हैं है ना कहाँ पे पकाते हैं मन में पकाते हैं ये आहुतियाँ मन धारण करके रखते हैं ना अनवहार जो वचन इसमें खाना को पकाते हैं भोग पकाने मतलब भोग भोग जो क्यों तो भोग करते हैं नहीं तो मन अनुवाद वचन आश्रम आह्वनीयम ये मुझ है वो आह्वनीय अग्नि है मुझे आह्वनी जहाँ पे आहुति दी जाती है आह्वनी में यहाँ आहुति दी जाती है ठीक है यहाँ काम आहुति देते हैं। अब देखिए यदि आप ऐसा चिंतन करके भोजन करेंगे तो आपको मन में क्या चिंता होगा कि वहाँ पे श्लोक आता है यथा छुटिता बाला मातरम पर पिपासते तथा सर्वानी भूतानी एतम अग्निहोत्रम पर पिपासते मतलब जैसे एक भूखे बालक कब मेरी माँ मुझे खाना दे उसके लिए इंतजार करते रहते हैं इसी प्रकार सारे जीव ये वैष्णव उपासक कब खाए ताकि मेरा पेट भर मतलब इसके दीर्घायु के इसके खाने के लिए प्रार्थना करते हैं। उपनिषद संत को उपनिषद देखा पांचवें अध्याय के लास्ट में विराट पुरुष को लेकर के ये सब बोला जा रहा है। यहाँ पे बोलते हैं अस आह्वनीय विधि श्रुति एक नंबर टिप्पणी में यहाँ पे बोलते हैं इति अक्षय अंग हो गया और सातवां अंग हो गया उसका मुंह जो मतलब अनवहार जो मतलब आह्वनीय अग्नि के रूप में मुंह को दिखाएगा जिसमें आहुति दी जाती है इसलिए बोलते हैं इति अग्निहोत्र कल्पना शिष्यत्न अग्निहोत्र कल्पना मतलब अग्निहोत्री के रूप में अपने को चिंतन करते वैष्णव उपासना के अंग के रूप में आह्वनीय अग्नि अस्य मुख तेन आह्वनीय अग्नि इस वैष्णव आत्मा का मुँह है मुख तेन इति एवं इस प्रकार से सप्तंगानि जस्य सात अंग है जिसका वो हो गया कौन ये वैष्णव प्रथम पद है जो विराट स्थूल शरीर प्रथम पद दस अंग हो गया सप्तांग। अच्छा इसके ऊपर देखिए टीका देखिए ठीक है टीका में सप्तांगत्वम श्रुति अवष्टम भेन विश्वस्य विशदयति है ना विराट पुरुष के सात अंग है कि जो हम पे बोला कौन सप्तांग एक अंग विंशति मुख मूल में सप्तांग भाष्यकार ये सप्तांग अपने मनमर्जी नहीं बोल रहा है दूसरे श्रुति में सात अंग जैसा दिखाया गया है उसी को यहाँ पे विभाजन करके दिखाते हैं इसलिए बोलते हैं कि सप्तांगत्तम मतलब वैष्णव में जो सप्तांगत्व रूप धर्म सात अंग वाला है उसको श्रुति अवष्टम कर श्रुति के आधार पर विश्वस्य सप्तांगत्तम विश्व तो विराट पुरुष है ना एक हो गया विराट हो गया आपका समष्टि का नाम और विश्व हो गया आपका व्यष्टि का नाम व्यष्टि स्थूल शरीर का नाम है विश्व और समष्टि स्थूल शरीर का नाम है विश्व। तो ये विश्वस्य सप्तांगत्तम विश्व विश्व मन अपने सप्तांग विराट पुरुष के साथ एक होकर चिंतन करना है तो अगर सप्तांगत्तम शुक्ति अवस्तम में ना विश्वस्य विषय विश्व कौन हो गया स्थूल शरीर अभिमानी चेतन नाम एक चेतन का ही है व्यष्टि स्थूल शरीर अभिमानी चेतन क्या बोला मैं व्यष्टि स्थूल शरीर अभिमानी चेतन का नाम है विश्व और समष्टि स्थूल शरीर अभिमानी चेतन का नाम है विराट विश्व का दूसरा नाम है विश्व ये
विश्व तेजस और प्राज्ञ तीनों व्यष्टि का है। व्यष्टि व्यष्टि स्थूल शरीर, व्यष्टि सूक्ष्म शरीर, व्यष्टि कारण शरीर उपहित चेतन। ध्यान देना, ये नाम शरीर का नहीं है, शरीर उपहित चेतन का नाम है ना। शरीर उपहित चेतन कहते उसी को समझाना है हमको। अब क्या करेंगे, उपाधि को हटा देंगे, चेतन समझ में आएगा, सीधे चेतन के इस नाम से बोला जाना है। इसे होते हैं कि बोलते समय ध्यान रखना, व्यष्टि उपहित चेतन समस्त उपहित चेतन सप्तांगत्तम श्रुति अवस्थम मन विश्वास विषद यति तस्य इत्यादि नाम है ना। उसका नाम चक्र तस्य हवा एतस्य आत्मन वश्यनर मूर्धे श्रुतज चक्षुर्विश्व प्राण पृथ्वत्मात्म संदेह पृथ्वीदेव पादो। ये हमने पढ़ लिया भाष्य की पंक्ति को। अब इस भाष्यकार की इस पंक्ति को टीकाकर अर्थ लिखा है। प्रकृतस्य सन्निहित प्रसिद्धस्य एव आत्मन त्रैलोक्य आत्मकस्य वक्ष्यमान रीत्वा वैश्वानर शब्दितस्य श्रुतेरस्य गुण विशिष्ट द्विलोक मूर्ध एव इति द्विलोक शिरस्व उपदिश्यते। प्रकृत जिसको लेकर के विचार कर रहे हैं, आपने बोला स्वयं आत्मा चतुष्पाद, तो वो चतुष्पाद जो आत्मा है वो हमारे प्रकृति में विथ रेफरेंस की कॉन्टेक्स्ट ये प्रकृत मतलब जिसको लेकर के विचार शुरू होता है प्रकृत सन्निहित प्रसिद्ध मतलब जो चीज इसके पहले में जिस आत्मा के बारे में कहा गया जो प्रसिद्ध है श्रुति में उसका सन्निहित प्रसिद्धस्य एव आत्मन। यहाँ पे षष्ठी विभक्ति प्रकृतस्य सन्निहित प्रसिद्धस्य भी ये भी हो गया आपका षष्ठी विभक्ति। किसका विषय है, आत्मन है ना। अयम आत्मा ब्रह्म बोला, इस आत्मा का कौन सा आत्मा का जिसको लेकर के विचार किया जा रहा है और जो ठीक इसके पहले मंत्र में जिसके बारे में कहा गया है ना। शुरू कैसे किया था, सर्वम गुम ही एतद् ब्रह्म। तो ब्रह्म कौन है, अयम आत्मा ब्रह्म। ये जो आत्मा को प्रकृति में लाया गया उस प्रकृत आत्मा के बारे में वर्णन कर उसका सूत्र है। प्रकृतस्य सन्निहितस्य एव आत्मन, आत्मा का वो कैसे है, ये आत्मा व्यष्टि नहीं है, त्रैलोक का आत्मा विराट है, व्यापक है। आत्मा परिच्छिन्न रूप में तो उपाधि के माध्यम उपाधि के कारण परिच्छिन्न रूप में प्रतीति मात्र होती है, आत्मा वास्तविक है क्या, व्यापक। इसी नाम पे बोलते हैं कि आत्मा का ये षष्ठी एक वचन है, त्रैलोक आत्मक। आत्मा कैसा है, तीन लोक आते हैं, केवल तीन लोक आत्मक नहीं, तीन लोक से अतीत विपाद और विश्व भूतानि त्रिपाद समृतम भी है ना। आत्मा तो तीन लोक भी है, तीन लोक से परे भी है। और यहाँ पे इस समय तीन लोक को लेकर के विचार चल रही है, त्रैलोक के आत्मक जो त्रैलोक ये तीन लोक जिसका शरीर है, तीन लोक स्वरूप वाला आत्मा का, ये आत्मा का देखो तीन विशेषण हो गया, प्रकृतस्य सन्निहित प्रसिद्धस्य त्रैलोक आत्मकस्य। इसका विशेषण है आत्मा, आत्मा षष्ठी है और ये तीनों में देखो षष्ठी विभक्ति लगा हुआ है। अच्छा, अब उसको कैसे वो सप्तांग होगा, उसको लेकर के वक्षमान रित्वा आगे बोला जा रहा है इस प्रकार से। वक्षमान फ्यूचर पार्टिसिपल है, मान अवृत्त इस रीति से है विद बाय दिस मेथड। वश्यानर शब्दितस्य जिसको यहाँ पे वश्यानर शब्द की तरह कहा गया है उसी आत्मा को ही। इसलिए मैं बोला आप देखो स्थूल शरीर उपहित चेतन में बोला आत्मा चेतन है, आप यहाँ पे षष्ठी विभक्ति मतलब आत्मा अनदर विशेषण उसका, जिस आत्मा को वश्यानर शब्द की तरह यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है ना। वश्यानर शब्दितस्य ठीक है ना, उस आत्मा का आप जब अपने शरीर को कल्पना करेंगे, आप दृष्टि में पहले देख लीजिए, जब कभी भी हम कुछ करते हैं सोचते हैं फर्स्ट इट स्ट्राइक टू अवर ब्रेन, यानी कि तेज स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, ये प्रकाश स्वरूप है ना। प्रकाश का काम क्या है, प्रकाश जो वस्तु का प्रकाश करते हैं, जो मनोवृत्ति उठा उसका प्रकाश की, ठीक ऐसे सृष्टि के लिए ऐसे ही होगा। इसलिए बोलते हैं कि रहित सुतेजस गुण विशिष्ट, वो कौन सा गुण वाला है, प्रकाश करने का सामर्थ्य है जिसका, वो होगा सुतेज बुद्धि को लेकर है ना। जो सुतेज गुण विशिष्ट दुलोक एव मूर्धा, जो विराट पुरुष के दुलोक है, दूतनाथ देवा बोलते हैं ना, दुलोक ऐसे प्रकाशशील है, वही उसका मूर्धा के रूप में कल्पना किया जा रहा है विराट पुरुष के। इसीलिए द्विलोकस्य शिरस्तम उपनिषद, इसलिए द्विलोक इस विराट पुरुष का सिर है, बुद्धि के रूप में खुश होते हैं ऐसा उपदेश किया जाता है। ये हो गया पहला अंग। दूसरा अंग क्या बोला था कि चक्षुर विश्व रूप,
विश्व रूप मतलब क्या, जिसका विश्व रूप का नाना विश्व शब्द का अर्थ होता है, विश्व सर्वाधिक में आते हैं शब्द, विश्व शब्द करते हैं नाना अनेक सर्व विश्व सर्व पर्यावरण शब्द है, नाना रूप अनेक सारा रूप जिसका है। अब इस रूप को देखने के लिए हमें क्या चाहिए, रूप के द्वारा लक्षित कौन होता है, रूप को देखने वाला सूर्य, इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं विश्व रूप नाना। यहाँ पे क्या बोलते हैं सूर्यजा चक्षुर विश्व रूप, उनका आंख जो है ना सूर्य चंद्र को रूप में कल्पना किया जाता है, और विश्व रूप अनेक रंग वाला है ना, उसी का अंदर सारा वस्तु दिखाई पड़ते हैं, चक्षु मतलब विविध रूप नाना रूप, क्या नाना रूप है उसको बोलते हैं श्वेत पिताति गुणात्मक सूर्य चक्षु विवक्षति, ठीक है ना। बोला यहाँ पे चक्षु और नाना रूप बोलकर किसको लक्षित करना चाहते हैं, सूर्य को, क्योंकि सूर्य के अंदर सात रंग है, इसलिए विश्व रूप नाना रूप सिद्ध सूर्य का अंदर सात रंग अधिकता सफेद रूप में है ना, तो इस प्रकार से ये नाना रूप और बाकी जो भी दिखते हैं उसी के कॉम्बिनेशन में दिखते हैं, इसके भिन्न नहीं, इसलिए बोलते हैं यहाँ पे सूर्य बोलना चाहते हैं। शीत पिता तो मुंड को चंद्र सूर्य चक्ष से विश्व सूत्र बाद विपरीत से वेद है, सब विराट पुरुष का वर्णन आता है मुंड को उपनिषद में, शीत पिता आदि गुणात्मक सूर्य चक्षु विवक्ष सूर्य के आगे चक्षु बोलना अभिप्रेत, ठीक है। ये होगा हमारा चुक्ष दूसरा अनुभव हो गया, इसका क्या था पृथक वर्तमान अलग अलग दिशा में चलने वाले, पृथक शब्द का भी अर्थ हो गया नाना विधम वर्तम मतलब होता है मार्ग, एक नाना विधम वर्तम मतलब संचरणम आत्म स्वभाव आत्मा, ये पृथक वर्तमान ठीक है ना, पृथक वर्तमान आत्मा का शब्द है पृथक वर्तमान, पृथक मतलब होता है अलग अलग वर्तम मतलब मार्ग, आत्मा मतलब स्वरूप, वर्तमान मतलब मार्ग, वर्तमान मार्ग मार्ग वर्तमान मतलब मार्ग होता है, तो आत्मा मतलब स्वभाव, तो ऊपर क्या था प्राणो पृथक वर्तमान आत्मा, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्राण मतलब वायु को नहीं कहते हुए क्रिया शक्ति को नहीं कहते, ये शब्द प्रयोग कर दिया ना, अब इसका अर्थ लिखते हैं पृथक शब्द का अर्थ क्या है नाना विधम, वर्तमान शब्द का अर्थ क्या संचरण मतलब मार्ग, और आत्मा शब्द का अर्थ क्या स्वभाव अस्य, मिला आपको टीका में, देखो तीन शब्द का अलग अलग अर्थ किया, पृथक शब्द का अर्थ कर दिया नाना विधम, वर्तमान शब्द का अर्थ क्या संचरण चलना, और आत्मा मतलब होता है स्वभाव बस, ठीक है। जब ठीक से आप इसको पढ़ेंगे तब आपको ऊपर के ऊपर के सत्ता आपको समझ में आएगा, तो लगे कहाँ से ऊपर तीन शब्द भाषण में पृथक वर्तमान आत्मा, ठीक है ना। तो पृथक मतलब हो गया नाना प्रकार की, वर्तमान मतलब मार्ग मतलब संचालन करने का, और आत्मा मतलब स्वभाव जी स्वभाव अलग अलग इसमें मतलब अनेक प्रकार की शक्ति सन्नी थे, इसीलिए मैं यहाँ पे पहले क्या बोला था इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति है ना, तो उसको यहाँ पे यहाँ पृथक आत्मा पृथक संचरण आत्मा स्वभाव अस्ति व्युत्पत्ति, ये इस व्युत्पत्ति के कारण वायु तया उच्यते, वायु के यहाँ पे मतलब समष्टि वायु भी विराट पुरुष का प्राण है, समष्टि वायु विराट पुरुष का प्राण उच्यते सच प्राण तस्य के संबंध, वो जो है समष्टि वायु समष्टि क्रिया शक्ति वो विराट पुरुष का प्राण है, इसलिए सच प्राण तस्य तस्य मतलब विराट तस्य से एक प्रकार संदेह शब्द का तो डाउट भी होता है, डाउट संदेह डाउट यहाँ पे वो हाथ में नहीं है, यहाँ पे डाउट नहीं है, दिखता नहीं है, संदेह उपचय धातु से बन गया देह, असम्यक रूप से जो दिखता है बहुत, वही तो हमें बोल रहे हैं बहुत मतलब विस्तीर्ण व्यापक 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 जो दिखता है सब व्यापक, हाँ जो मेरे सामने दिखता है विराट रूप में सब बड़े अंत स्पेस में जो दिखता है, किसे विस्तीर्ण गुणवान आकाश है ना, और संदेह मतलब देह से मध्यम भाग मतलब विराट पुरुष के शरीर के मध्यम भाग का जो अंतरिक्ष स्पेस का जिसमें सारा चीज दिखता है, इसलिए विस्तीर्ण गुणवान आकाश संदेह देह से मध्यम भाग हो गया संदेह बहुल, ठीक है। एक एक करके ऊपर देखते जाना,
तो फिर क्या है, वस्तु रेव रही, अब इसे बोलते देखे रही रह धातु या फर्स्ट कंडीशन आत्मनिर्भरी का धातु है, तो वो अथवा तो मूव अर्थ में आता है, इस इन प्रत्यय होकर के रही बनता है, इसे जल अथवा धन दोनों अर्थ में आते हैं, रही यहाँ पे धन अर्थ में आया हुआ है। रही शब्द का अर्थ कर दिया अन्यम, रही शब्द का अर्थ क्या कर दिया अन्न। देखो हाँ क्यों अन्न बोलना है, क्योंकि तुम जल लोगे जल से अन्न होता है। अच्छा रही शब्द का अन्न यदि तुम धन लोगे धन से भोग वस्तु मिलता है, दोनों अर्थ में कर देगा, ऐसा शब्द प्रयोग किया यहाँ पे। देखो टिप्पणी कार बोलता है दो नंबर टिप्पणी में क्या बोल रहे हैं, देखिए लक्षणाया वृत्तिशेष, लक्षण वृत्तिशेष को समझना पड़ेगा, लक्षणाया सीधा अर्थ नहीं है लक्षण शब्द, इसलिए रही अन्यम है ना। देखो आपने आप टीका का समझा, तद हेतु उदकम वस्तु अन्न भोग वस्तु के लिए जल चाहिए, मतलब भोग वस्तु धान खाने पीने के लिए आपको जल के बिना होगा नहीं, ठीक है ना। इसलिए हमने वहाँ पे बोला था आपको, देखो परजन्य, परजन्य एक ऐसा बादल है जिससे जो है नीचे गिरने पर भोग मतलब जीव उसके मंत्रणाशा रहता है, मतलब क्या है कि आपके अनुकूल भोग वस्तु को उत्पन्न करने के लिए जो परिस्थिति हो गई परजन्य शब्द का लक्षण है ना, पंचअग्निविंदा केवल मात्र अन्य नहीं है, अन्य तो केवल ये है कितना हमारे भोग वस्तु को उत्पन्न करने के लिए जो भी चीज हमारा अनुकूल परिस्थिति है उसको परजन्य शब्द कहा। यहाँ पे हो गया कि वस्तु एव रही, रही अन्नम तत् हेतु उदकम, अन्न के लिए कारण क्या होता है उदक जल, वस्तु अस्य वस्तु मतलब क्या होता है मूत्र स्थान है ना, तो इस विराट पुरुष के मूत्र स्थान तक ब्लड हमारा जिसको हम लोग ब्लैडर बोलते हैं, ब्लैडर हाँ जिसमें जल लाके ये ना विराट पुरुष के ये जल जो हमारा यह देखते हैं वो होगा विराट पुरुष के मूत्र स्थान। तब ये हो गया पांचवा अंग, छठा अंग पृथ्वी एवं प्रतिष्ठा गुना वैश्य नरस्य पादो है ना, जिसके ऊपर आश्रय करके प्रतिष्ठा की अनया इति प्रतिष्ठा, जिसके द्वारा हम खड़े होते स्थिर होते हैं, पृथ्वी के ऊपर ही सारा सृष्टि दिखाई पड़ती है, पृथ्वी के ऊपर भी जल दिखाई पड़ता है, अंतरिक्ष दिखाई पड़ता है, फिर आगे दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसको प्रतिष्ठा पृथ्वी पुच्छ प्रतिष्ठा महिलाओं में कुछ ही आ जाता है, इसीलिए आप बोलते हैं कि प्रतिष्ठत्व गुण वैश्वानरस्य प्रभु प्रतिष्ठा पृथ्वी जिसका सबको आश्रय प्रतिष्ठित है, सब सब जिसके ऊपर प्रतिष्ठित इस प्रकार गुण वाला है तो वैश्वानर आत्मा का वो पैर है, पादो दो पैर उसमें आसन इसके बाद ये हो गया आपका छह अंग, ठीक है। अब उसके बाद देखिए वहाँ उपनिषद में आते हैं तद यत् प्रथमं भक्तम आगच्छे तद् होमियम, ये उपनिषद की वाणी है चंद को ग्रंथ के, आपके पास भोजन करने के लिए जब आप बैठते हैं तो भोजन करते समय जो आपके पहले परसा जाता है वो तद यत् भक्तम, अब तद यत् भक्तम प्रथमम, जो भोजन करने जो वस्तु आपके पास पहले आता है वो आह्वनीय हवनीय है, वो आहुति देने योग्य है, ऐसा मत खा लेना, ये शिष्टाचार तो लोग भूल ही गए देने से शुरू कर देते हैं, ये नहीं है हमारे तद होमियम। और इसको लेकर के एक यह भी आया हुआ है वैश्वन, आपको तृतीय अर्थ है तृतीय पद में शायद आएगा चौथे पद में आदरा अलोभी है वैश्वनर उपासक, क्योंकि वो अतिथि से पहले भी भोजन कर सकते हैं, घर में अतिथि आया हुआ है, यदि आप मान लीजिए आपका समय से आपको भोजन है, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे को इतना व्यक्ति को भोजन देना है हम घर स्थित होगा, तो उसके लिए शास्त्री ने अनुमति दिया कि आप जो है कि आप वैश्वनर उपासक जो है कि वो अतिथि से पहले भोजन कर सकते हैं। अब प्रश्न उठाए ब्रह्मसूत्र में, तब जब रोज वो खाता है तो व्रत रखने का दिन वो क्या करेगा, आहुति देगा कि नहीं देगा उस दिन, क्या मतलब सब हम खाने से सब खाएगा तो हम व्रत रखेंगे तो क्या होगा सब भूखा रह जाएगा, तब क्या करोगे, तो उनको मतलब पांच आहुति देना ही चाहिए, चाहे वो उपवास के दिन भी देना चाहिए, ऐसा करके पूर्व पक्ष कहते हैं सिद्धांत देव, ऐसा बात नहीं है, जो उपासना है व्रत है, ये व्रत है, इसी तरह क्यों उसको ये वाक्य दिया तब जब भक्तम प्रथम आगच्छे, जिस समय आपके भोजन के लिए पहला प्रसाद आएगा, जिस दिन भोजन नहीं है उस दिन आदरात अलोप ये सूत्र आएगा। अभी दोनों सूत्र आने वाले यहाँ पे आदर अधिकरण कुछ ऐसा नाम है उसका, तो वहाँ पे जिस दिन आप भोजन करेंगे भोजन करने जो वस्तु जब आपके सामने आता है वो वस्तु पहले आप
आहुति के रूप में अंदर दीजिए, पहला पांच बार दीजिए, तब आपका चतुर्थ भुवन के जीव तृप्त हो जाए। फिर जब आप अपने भोजन करें वश्वनन अलारू वश्वनन अग्नि, यदि आप वही वश्वनन अग्नि बन करके वही आहार को पकाते हैं है ना, तो इसीलिए उसको ध्यान में रखते हुए वही वश्वनन उपासना कर यहाँ पे बोलते हैं। तब जब भक्तम प्रथम आगछे तद होमियम इति अग्निहोत्र कल्पना सुता, इस प्रकार वहाँ पे अग्निहोत्र की कल्पना की गई ऐसे सुनाई दिया है। तस्य शिष्यत्वेन उस अग्निहोत्र उपासना की उस उपासना की वश्वनन उपासना के अंग के रूप में शिष्यत्वेन मतलब अंग के रूप में आह्वनीय अग्नि असम्मुखत्वेन, ये आह्वनीय अग्नि जो है ना जहाँ पे आहुति जाती है इस विराट पुरुष के मुँह है, तो भी हमारे मुँह भी विराट पुरुष के मुँह का एक अंग है, तो यहाँ पे आहुति दी जाती है। इसलिए बोलते हैं कि आह्वनीय अग्नि असम्मुखत्वेन कल्पित इति योजना, ऐसा आपको अन्वय करना पड़ेगा। यहाँ पे तीन नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना, आह्वनीय अग्नि अस विराज मुखत्वेन, ये जो आह्वनीय अग्नि है इससे कोई विराट आत्मा विराट पुरुष के मुंह के रूप में वहाँ पे कल्पना कल्पना की जाती है, उपासना की जाती है। आध्यात्मम तो मुखम एव आह्वनीय अग्नि भव, ये आध्यात्म में क्या हो जाएगा, ये विराट पुरुष मतलब अधिदैविक पुरुष में आध्यात्म में क्या हो जाएगा, अपना मुँह ही इसी को आह्वनीय अग्नि के रूप में चिंतन करना। जब आप हम जो आह्वनीय अग्नि है ना, और यहाँ पे क्या बोला था देखो, मन हो गया आपका हृदय गार्हपत्व अग्नि, मतलब जिस समय आपकी हृदय से भोजन के लिए भूख की वृत्ति उठी, मन से चित्त वृत्ति से संस्कार से आता है वो चित्त वृत्ति उठी, जैसे उठी तब आप भोजन के लिए प्रवृत्ति होता है, तो भोजन के लिए आहुति कहाँ देगी, आह्वनीय अग्नि। अब कनेक्शन हृदय को गार्हपत्व अग्नि बोले, गार्हपत्व अग्नि से आह्वनीय अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है, मनोवृत्ति भूख लगी मनोवृत्ति उठने पर तब मुँह में आहुति दी जाती है। श्रुति की ये के देखिए, श्रुति की कितना शैली को देखिए, जो चीज हमारे अंदर हो रहा है उसी को लेकर ऐसे ही इसको हमको समझा है। इसलिए उपासना करने के लिए केवल नया कुछ नहीं करना पड़ेगा, जो हो रहा है उसी पर थोड़ा दृष्टि को डालिए, ठीक से देखना सीखिए बस। और मैं बार बार बोलती हूँ देखना सीखने से अब लाभ क्या है, जब वो देखना सीखेंगे ना वो क्या हो जाएगा, ये सब दृश्य हो गया, देखने वाला अलग है, इससे भी इस पर ये देखने का अभिप्राय है, मन बुद्धि चित्त अंदर सब अपने को अलग करने का अलग करेगा। जब इन वृत्ति को देखना सीख जाएंगे आप, तो आप मैं इसके पीछे दृष्टा इससे भिन्न भी आपको पता लगता है। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि उर्वेदी लोमा निबरी हृदय गर्भत्व मन अनुभवी पर लिए थे, यहाँ पे चार नंबर तीन नंबर विराज मुखत्वेन उक्त अध्यात्म तु मुखम एव आह्वनीय अग्नि, यदि अध्यात्म में हमारे मुख आह्वनीय विभाव नहीं है, इसको विशेष करके चिंतन करना चाहिए बोलेंगे इसमें। अच्छा ये हो गया उक्त सप्तांग संघर, इस प्रकार से सात अंगों के यहाँ पे दिखाया गया है। अब भाष्यकर उप संकृति एवं सप्तांगानि यस्य, इस प्रकार से सात अंग है जिसका, वो हो गया सप्तांग। तो वैष्णव का तीन विशेषण हो गया जागृत स्थान बहिष्प्रज्ञ सप्तांग, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या आता है, एकोनो विंशति मुख, आज तक आपने कितना मुँह वाला लोग आदमी देखा, दो मुख भी होता है तीन मुख भी होता है चार मुख भी होता है, हमने दस मुख तक तो सुन रखा था सानन, पांच मुख तो शिव जी का ही है, चतुर्मुख ब्रह्मा जी है, परंतु हम स्वयं 19 मुख वाले हैं ये हमको पता नहीं है। अब देखो हमारा जो है 19 मुख वाले बह गया, विशेष अनंतरम समुच्चिनोती अलग जीक्षण दिया गया, एकोनो विंशति मुख, एक कम है 20 से एक कम है इतना मुख है जिसका, ठीक है ना, एक कोनो विंशति विशेषण विशेषण अंतरम समुच्चिनोति, एक दूसरा विषण की भी फिर समुच्चय करके दिखाते हैं, ठीक है। तथा ऊपर आ जाइए भाष्य में, तथा एकोनो विंशति मुखानि अस्य, है ना, ये क्वेश्चन आत्मा की 19 मुख है, एक अस्य कौन है, वो एक विंशति मुख, बुद्धि इंद्रियानि कर्म इंद्रियानि च दश, ठीक है ना, बुद्धि इंद्रिय 5 कर्म इंद्रिय 5 और दश वाय अर्दश वायवश्च प्राणादय और पंच वायु पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय पंच वायु अनुमान बुद्धि चित्त अहंकार, ये हो गया 19। इसमें बोलते हैं बुद्धि इंद्रिय कर्मेंद्रिय च दश वायवश्च प्राणादय पंच, ये हो गया 5 प्राण और मन बुद्धि अहंकार चित्त मुखानी इव मुखानी स्थानी उपलब्धि द्वारा नहीं किया,
ये मुंह क्यों है? क्योंकि ये हमारी उपलब्धि के लिए द्वार दरवाजा बनता है, मार्ग बनता, माध्यम बनता है, ठीक है? तो ये होगा हमारा 19 मुंह। सूक्ष्म शरीर में यही आता है, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण और मन। कहीं 17 अवयव बोलते हैं, कहीं 19 अवयव बोलते हैं। जहाँ पे 17 अवयव बोलेगा वहाँ पे मन और चित्त को एक कर लेना, बुद्धि और अहंकार को एक कर लेना। अब जहाँ पे जो है 19 अवयव बोला तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? मन बुद्धि चित्त अहंकार चल लेंगे। उसके बाद बुद्धि इंद्रिय कर्मेंद्रिय 10 वायवस्य प्राणादेय पंच, ये 5 हो गया। और मनो बुद्धि अहंकार चित्तामिति मुखानी इव मुखानी, ये मुंह जैसा मुंह, मुंह मतलब क्या है? मुंह मतलब दाय, माध्यम बनता है, मतलब हमारे भोग के लिए यही उपकरण, भोग के कारण, भोग के कारण है। इसलिए इंद्रियों को बहिष्करण बोलते हैं और मन बुद्धि तो अंतकरण बोलते हैं। और ये करण कहाँ काम आता है? भोग के लिए, भोग के लिए काम आता है, वस्तु को ग्रहण करने के लिए काम आता है, कर्म के लिए भी काम आता है। इसलिए तानी उपलब्धि द्वारा, क्योंकि यही जो है हमारी उपलब्धि के लिए दरवाजा है। इसी को मुंह बोला, इसलिए तानी उपलब्धि द्वारा नहीं दिया, इसको उपलब्धि के लिए दरवाजा बोला गया है, ठीक है? अब इसको पट्टी का देखिए, ठीक है, पंक्ति में आ जाइए। बुद्धि अर्थानी इंद्रियानी, ठीक है ना, बोध के लिए जिस इंद्रियों को हम प्रयोग करते हैं उसको, वो कौन कौन है? श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जीवा, घ्राणानी, ठीक है ना। श्रोत्र इंद्रिय आकाश, त्वगेन्द्रिय वायु, चक्षु हो गया आपका तेजस, जीवा हो गया रस, गंध हो गया घ्राण। तन्मात्र से बनते हैं हमारे सूक्ष्म शरीर, पंच तन्मात्र से बनते हैं, शब्द तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र, रूप तन्मात्र, रस तन्मात्र, गंध तन्मात्र, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, है ना। इस यहाँ हमारे पंच, हमारे सूक्ष्म शरीर जो है कैसे कैसे बनते हैं? आप पंच तन्मात्राओं के सत्य गुण हैं, वो अलग अलग सत्य गुण से, पंच तन्मात्रा के अलग अलग सत्य गुण से अलग अलग ज्ञानेन्द्रिय बने। पंच प्रत्येक तन्मात्रा में 3 गुण है, वो अलग अलग 3 गुण में जो सत्य गुण है, सत्य गुण की लेके द्वारा सत्ता संजयते ज्ञानम। इसीलिए सत्य गुण के मतलब पंच तन्मात्रा हुआ, तो शब्द तन्मात्रा के जो सत्य सत्य अंश है जब उस बड़ा, उसके द्वारा ज्ञानेन्द्रिय कौन बन जाए? श्रोत्र इंद्रिय उत्पन्न। फिर उसी प्रकार स्पर्श तन्मात्रा का तन्मात्र सत्य गुण बन, उसके द्वारा त्वगेन्द्रिय उत्पन्न। इस प्रकार शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये शब्द तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र, रूप तन्मात्र, रस तन्मात्र, गंध तन्मात्र, इसके सात्विक अंश की वृद्धि से हमारा ज्ञानेन्द्रिय हो, और इसका समष्टि सात्विक अंश से अंतकरण बना। और जब इसका रजोगुण बढ़ा, रजोगुण के बढ़ा, तब उसको क्या हो गया? आपका कर्मेंद्रिय को बना। इसी क्रम से बाघ, पायली, पाक, उपस्थ, पायु, इस प्रकार आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इससे द्वारा 5 कर्मेंद्रिय बना। कब बना? जब इस तन्मात्रों का रजोगुण वृद्धि हुई, और समष्टि रजोगुण से प्राण बना। इस प्रकार से तन्मात्रों का सत्य, आप देखना रजोगुण, सत्य गुण, तमोगुण अलग नहीं कर सकता, मिला हुआ उसकी प्राधान्यता जब हुई तब ऐसा बना है। अब जब तमोगुण है, उस तमोगुण वाला तन्मात्र को पंचीकरण करके स्थूल शरीर बना है। इस सृष्टि की प्रक्रिया तत्वबोध, आत्मबोध, तत्वबोध में देखना, वहां पे इस बारे में लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे बुद्धि अर्थानी इंद्रियानी तक श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राणा, ठीक है, ये किसका अर्थ हो गया? बुद्धि इंद्रिया, भाष्य में बुद्धि इंद्रिया है ना, भाष्य में उसका अर्थ टीकाकार लिख दिया, बुद्धि अर्थानी इंद्रियानी श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राणा। फिर आया क्या भाष्य में? कर्मेंद्रिया, तो बोलते हैं कर्मार्थानी इंद्रिय, कर्म करने के लिए, मतलब ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो इंद्रिय है उसको बोला ज्ञानेन्द्रिय, और कर्म करने के लिए जो इंद्रिय उसको बोलते हैं कर्मेंद्रिय। इसके बीच में अर्थ पद जोड़ा, इसलिए बोलते हैं कर्म, कर्मार्थानी इंद्रियां, कर्मों करने के लिए जिन इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिन इंद्रियों को प्रयोग करते हैं उसको ज्ञानेन्द्रिय बोलते हैं, इसको कर्मेंद्रिय बोलते हैं। कर्मार्थानी इंद्रियां वो कौन है? बाघ, माली, पात, पाई, उपस्थ, है ना, ये 5 हो गए। तानी एतानी द्विविधानी इंद्रियानी दश भवन्ति, इस प्रकार से 2 प्रकार की इंद्रियों 5 मिलकर के 10 हो गए। इसे बोलते हैं बुद्धि इंद्रिय कर्मेन च 10, कॉमा लगा देना, 5, ठीक है ना, ये 10 हो गए। फिर बोलते हैं प्राण, वहाँ पे वायवश्च प्राणादय भाष्य में है ना, तो आदि से क्या लेंगे वहाँ पे? प्राणादय इति आदि शब्देन, प्राणादय इति आदि शब्देन
अपान व्यान उदान समाना गृहंते, ठीक है ना। आप जब ठीक से समझ के चलेंगे ना, आपको अपने आप में अर्थ अपलब्ध बन जाएगा। इधर केवल भाष्य को पकड़ के रखना, उसके साथ अटिका अपने आप लगा सकते हैं, अटिका अपने आप लगा देगा। इसी अर्थ होते हैं कर्मार्थानि इंद्रियानि वाक पाणिपात वायु उपस्थानी तानी एतानी द्विविधानि इंद्रियानि दश भवन्ति प्राणादय इत्यादि शब्द न प्राणादय वहाँ पे आदि शब्द आया हुआ है, तो उसमें आदि शब्द की तरह क्या लेना है, अपान व्यान उदान समान प्राण वहाँ पे आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे अपान व्यान उदान और समान वायु, तो पाँच वायु हो गया। ये हमारे गृहस्थ से ग्रहण किया जाता है। आप क्या बोलते हैं, उपलब्धि द्वारा इति उपलब्धि पदम कर्म उपलक्षणार्थम। अब वहाँ पे क्या बोला भगवान भाष्यकर कि तानी उपलब्धि द्वारा, ठीक है ना, वो लास्ट में देखिए पंच मन बुद्धि चित्तम वहाँ पे उपलब्धि द्वारा, उपलब्धि द्वार मतलब अब कर्म जो मतलब वहाँ पे कर्म का भी उपलक्षण है। उपलक्षण तो अपने उपयोगिता को दिखाने के लिए इस शब्द को प्रयोग किया था, बोलते हैं उपलब्धि द्वारा इति उपलब्धि पद, उपलब्धि पद से क्या लिया, उपलब्धि मतलब बोध ज्ञान, परंतु वो क्या है कर्म का भी उपलक्षण होगा क्योंकि इंद्रियों के साथ एक साथ बोला जा रहा है, इसलिए बोलते हैं उपलब्धि द्वारा पदम कर्म उपलक्षण, कर्म का भी उपलक्षण है। और द्वार मतलब क्या हो गया कर्म, द्वार मतलब क्या हो गया कर्म, ठीक है ना। एक हो गया ज्ञान प्राप्ति के लिए करण और एक हो गया कर्म करने के लिए करण इंस्ट्रूमेंट, इसलिए हो गया दारत्तम मतलब करणत्तम। जो उपलब्धि द्वारा नीति अर्थ लास्ट में जो है उस भाष्य में उपलब्धि मतलब क्या हो जाएगा आपको कर्म का भी उपलक्षण होगा, आधार मतलब क्या हो जाएगा करण, करण हो जाएगा। तत्व बुद्धि इंद्रियाणाम मनुष्य बुद्धिश्च प्रसिद्धि उपलब्ध करणत्तम। इसमें जो बुद्धि इंद्रिय है और जो मन बुद्धि है वो ज्ञान प्राप्ति के लिए करण प्रसिद्धि है। ये प्रसिद्धि सब जानते हैं कि केवल इंद्रियों अकेला किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं जब तक मन साथ ना दे। मन साथ देने के बाद भी वो ज्ञान हुई कि नहीं है जब तक बुद्धि शक्ति ना दे वो भी नहीं हो पाएगा। फिर बाद में साक्षी उसमें ज्ञातत्व ला देते हैं। ये आँख केवल यही देख सकते हैं इसको कि ये एक सिलेंड्रिकल ब्लैक चीज है आँख, इतना आपको कह सकते हैं। परंतु जैसे ही ये संस्कार इसके माध्यम से अंदर गया तो चित्त भूमि इस प्रकार की वस्तु का संस्कार है वो तुरंत ही लेखन रूप में एक ये मन विचार उठा क्या हो सकता है ना पेन और पेंसिल इस प्रकार से विकल्प उठ सकता है। फिर जो है कर्मेंद्रिय द्वारा इसको प्रयोग करके देखते ही वो चित्त भूमि संस्कार बताएगा ये पेंसिल, वो पेंसिल दे उठा बुद्धि उसको निश्चय कर यस देन आई नो दिस पेंसिल, ये अपने आप होता है। अब ये जो पेंसिल को आपने जाना ये पेंसिल है ये आपने समझा यहाँ तक बुद्धि की काम है, पर जैसे इसमें ज्ञातत्व है वो साक्षी काम वो साक्षी भाषा इंद्रिय इसका रूप दिखाया आकार दिखाया मन इसमें ये हो सकता है ये हो सकता ऐसा काम किया चित्त जन्मांतर संस्कार से ये पेंटी अथवा पेंटर ऊपर ये किया बुद्धि भी प्रयोग करके इसको बुद्धि निश्चय किया यहाँ तक मन बुद्धि और फिर अहंकार क्या करता है कि हाँ ये पेन है। अब जो है ये पेन है इस पेन को मैं जाना अथवा पेन को मैं समझा ये साक्षी भाष्य ये साक्षी प्रकाश अहंकार नहीं जान सकता। अहंकार कहेगा क्या इस नहीं अहंकार कहता है ये पेन है अच्छा। वो अहंकार के साथ वो अपने आप तो नहीं प्रकाश कर सकते हैं तो क्यों तब कर्म करते दोष होगा। तो मैंने इसको जाना ये जो मैं तो अहंकार है परिचिन्न अहंकार है मैं व्यापक मैं नहीं परिचिन्न मैं पेन को जानना तो मैं जो पेन को जाना इन मैं परिच्छिन्न अहंकार है इस परिच्छिन्न अहंकार में जो आ रहा है ज्ञातृत्व आ रहा है क्या ज्ञातृत्व मैंने पेन को जाना ये साक्षी है ये साक्षी प्रकाश है। आप देखिए ये जैसे जैसे आप देखना सीखेंगे ना तब आपको साक्षी संबंध साक्षी विषय रूप में नहीं आएगा ये अलग हो जाएगा साक्षी संबंध का निश्चय होता इस रूप में ऐसे आप बोलते हैं कि देखो कि गृहते उपलब्धि धारण उपलब्धि पद कर्म ठीक है धारकम कर्म तत्व बुद्धि बुद्धि इंद्रियाणाम बुद्धि मनुष्य बुद्धिश्च बुद्धि इंद्रिया और मन और बुद्धि ये सब मिल करके बुद्धिश्च प्रसिद्धम उपलब्ध ये वो उपलब्धि के लिए ये कारण है ये प्रसिद्धि है ठीक है ना। उपलब्धि के लिए ज्ञान की मतलब उपलब्धि मतलब ज्ञान ज्ञान प्राप्ति में ये कारण है ज्ञानेन्द्रिय और मन बुद्धि मन बुद्धि लिया मतलब क्या हो गया चित्त को भी लिया अहंकार को भी लिया क्योंकि नहीं तो चित्त नहीं जाएगा जन्मांतर संस्कार नहीं होगा तो निश्चय नहीं कर पाएगा। अच्छा यदि मान लो जन्मांतर संस्कार नहीं है तब क्या करेगा मैं समझ नहीं पाया तो बुद्धि बोलेगा तो किसी से पूछ लेते हैं
उसके जान लेके फिर वो संस्कार बैठ जाएगा। इसी प्रकार नया वस्तु विज्ञान ऐसे ही होता है, और एक बार संस्कार आ गया तो उनको रिप्रेस कर देगा। अब इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि बुद्धिश्च प्रसिद्धम उपलब्ध करणत्तम कर्मेन्द्रियाणां च वचनं वदनादौ कर्मणि करणत्तम। और कर्मेन्द्रियों का ये बोलना है ना, क्या था बाक पानी का बोलना चलना ग्रहण करना मल मूत्र त्याग करना, ये कर्मेंद्रिय का काम है। इसलिए होता है कर्मेंद्र बदनादो कर्म, इस प्रकार इस कर्म में ये करण का काम करते हैं। अब क्या हो गया, ये तो करण समझ में, प्राण कैसे होगा तो क्या प्राणादि नाम पुनर् उभयत्र पारंपरण करणत्तम। ये प्राण अपान समान व्यानुदान, एक चाहे ज्ञानेन्द्रिय हो चाहे कर्मेंद्रिय हो, दोनों के लिए ये जो है परंपरा से करण बनता है। प्राण का अपना कोई विषय नहीं है, परंतु प्राण देखो अपान वायु यदि ना खाए, अन्न को ग्रहण कौन करता है, अपान वायु, वो अपान वायु का ग्रहण करता है तो सब तो जाला निकलता है, साथ ही मुंह को पसंद ज्ञान प्रकाशित होता है, समझ पाते हैं। और समान वायु क्या करते हैं कि हमारे खाए पी हुए अन्न रस का सारा शरीर में समान रूप से वितरण करता है, जहाँ घाव आदि होता है कम तो वहाँ पर अधिक इसको काम करता है। यदि ये वो काम नहीं करते तो इंद्रियों कहाँ से काम करते हैं, इसलिए परंपरा से प्राण हमारे कार्य को उपलब्धि के लिए माध्यम बन जाते हैं कर्म का परंपरा से। व्यान वायु क्या करता है, जब आपको कोई वीर जगह काम करना हो, भारी द्रव्य उठाना हो, बोलना हो, उस समय प्राण अपान को रुक करके व्यान वायु काम करता है। उदान वायु डका रहता है, ठीक है ना, आँख से पानी आता है, छींकते हैं व्यवहारिक, इस समय उदान वायु काम करते हैं। और कंठ देश में रहता है, अंतिम समय शरीर को निकालते समय सारा वायु को ढकेल करके प्राण साथ अपने आप को निकालते हैं। इस प्रकार से ये जो है प्राण आदि नाम पुनर् उभयत्र पारंपर्य करना, प्राण आदि को दोनों मतलब ज्ञानेन्द्रिय कर्म दोनों फंक्शन में परंपरा से करना चाहिए। तेषु सत्सु एव ज्ञान कर्म ने उत्पत्ति, ये प्राण रहने पर ही जो है ज्ञान और कर्म का हो सकता है। ज्ञान कर्म ने उत्पत्ति, ज्ञान भी होता है कर्म की उत्पत्ति है, असत्सु से अनुपत्ति नहीं होने पर इसको उत्पत्ति होना संभव नहीं है। मनोबुद्धयस्य सर्वत्र साधारणं करणत्तम, मन और बुद्धि है ना, ये दोनों के लिए सभी ज्ञान अथवा ज्ञानेन्द्रियों की क्रिया हो अथवा कर्मेंद्रियों की, मन बुद्धि साधना आदि तो नहीं कर सकते। अहंकार से अपनी प्राणादिवद करणत्तम मंतव्य, ये हमको पता नहीं लगता, क्योंकि जब ये पता लगता है मैंने ये किया मैंने ये जाना, ये कौन बोल रहा है, ये अहंकार। यदि ये मैं छोड़ा नहीं होता ना तो परिच्छिन्न ज्ञान कभी नहीं हो पाता, ये नहीं हो पाता ज्ञान, मैं ये जाना मैं ये समझा, ये बोलने के लिए अहंकार की करणत्व आता है परंपरा से। इसलिए हम बोलते हैं कि मनोबुद्धि से सर्वत्र साधारण करणत्तम अहंकार से प्राणादि एव, अहंकार का भी प्राणादि के समय करणत्तम मंत्र, वहाँ भी करणत्व बैठा समझना चाहिए। क्यों, चित्त से चैतन्य आभासोदय करणत्तम उक्तम इति विवेकतम। अब ये अब चित्त कैसे करण बनता है, चित्त कैसे करण बनता है, तो बोलते चैतन्य को कुछ स्मृति होती है, संस्कार को निकालते हैं, वहाँ पर यदि वो चेतन तो है ही हमारा, वो चेतन जो उसको प्रकाश करते हैं वस्तु को देख करके ही, जब कोई एक वृत्ति फैल गया इतना इंस्टिंक्ट होता है मतलब स्पॉन्टेनियस होता है वो, कि हमको अलग करके पता नहीं लगता। तो जैसे इसका संस्कार गया तो चित्त भी बोल देते हैं कि ये पेंसिल है, हाँ ये पेंसिल है, बुद्धि निश्चय करके तो मैं पेंसिल को जाना, यहाँ पे बोलते हैं। और ये जो स्मृतियात्मक संस्कार वो चित्त भी में रहता है, कोई चीज को देख करके कभी कभी समय लगता है कभी समय नहीं लगता, परंतु वो चित्त भूमि का काम है। तो ज्ञान में किसी कर्म करना है मुझे, इस कर्म को मैंने पहले कैसे किया था, मैं यहाँ पे आ करके इधर उधर नहीं जाऊँ यहीं बैठ जाऊँ, अब अपने क्यों होता है ये चित्त भूमि संस्कार, ठीक है। यहाँ पे हम खेलने के लिए नहीं आते, पढ़ने के लिए आते, यहाँ पे आते माइंड उसी प्रकार मतलब प्रीपैक्ट होकर के आता है इस चित्त भूमि, ये ज्ञान प्राप्ति में चित्त की। अच्छा थर्ड और क्या है, कल हमने कहाँ तक पढ़ा था, जैसे हमने एक आध शब्द बोलने लगता है वैसे आपका मन में काल का पाठ थोड़ा थोड़ा आने लगता है, ये चित्त संस्कार। उसी क्या बोलते हैं कि चित्त चैतन्य आभास उदय, चेतनता के आभास के उदय में करणत्तम इति विवेकतम, इस प्रकार से विवेक करके समझना चाहिए। छोटा सा जानने पर टिप्पणी को करेंगे फिर बनते हैं, चैतन्य आभास इति स्मरणात्मक चैतन्य आभास उदय। देखिए क्योंकि चैतन्य के चिराभास के बिना तो कुछ नहीं होगा,
तो स्मृति आत्मा, स्मृति आत्मा जो चैतन्य का आभास उदय होता है उसके लिए चित्त काम, उसके चित्त काम। ये देखिए मन बुद्धि चित्त अहंकार की फंक्शन पे इतना अच्छी तरह से यहाँ पे समझा है, इसको थोड़ा अपने आप एक अंतर पूछा कि क्या होता है, क्या होता है यहाँ। ठीक है समय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।